आज हम लोग सेल्स प्रेजेंटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप हर तरह का जो प्रोस्पेक्ट है आपका, कहा वो सिंगल है, मैरिड है, वो प्री रिटायरमेंट है, पोस्ट फैमिली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अपनी फैमिली के लिए या जिस पर कुछ लोग मतलब रिलाय कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां उस बंदे पर हैं, उस बंदे पर ये प्रेजेंटेशन आप अप्लाई कर सकते हैं हर उस प्रोस्पेक्ट पे। ठीक है जी। जनरली वैसे तो हर बंदे के लिए हमारे पास प्रेजेंटेशन अलहदा होती है, हम हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से प्रेजेंटेशन मतलब उसको चेंज करते हैं, लेकिन ये जनरल प्रेजेंटेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम हर प्रोस्पेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको मैंने थोड़ा सा राइट अप किया है। यहाँ पर एक प्रोस्पेक्ट है, एक्स वाई जी उसका नाम है, एज है 35 ईयर्स, चार उसके बच्चे हैं, दो बेटियां हैं बड़ी, 12 साल, 11 साल, 10 साल और 3 साल। काम करता है वो, काम से उसको आमदनी आती है, आमदनी से वो जिम्मेदारियां पूरी करता है। अब आज में उसकी जिम्मेदारियां कुछ इस तरह से हैं, खुराक, लिबास, मेडिसिन, बच्चों की तालीम का एक्सपेंस, बिल्स वगैरह यानी यूटिलिटी बिल्स, किराना देना पड़ गया, किराया 100 का इमरजेंसी हो जाती है 25,000, क्योंकि एवरेज मार्केट हमारी जो है इसमें हमारे एवरेज क्लाइंट्स या प्रोस्पेक्ट्स वो फॉल कर रहे होते हैं, तो 25,000 रुपये हमने रखा उसका मंथली खर्चा है। अब ये तो 25,000 रुपये है, ये 25,000 उसकी सर्वाइवल कॉस्ट है। किसकी सर्वाइवल कॉस्ट है? किस चीज की? कि जिसकी वजह से उसकी फैमिली चार दीवारी के अंदर अपनी बाइज़त तरीके से जिंदगी गुजार रही है। ये इस चीज की लागत है, कीमत है, इसको मैं कॉस्ट इसलिए बोलता हूँ। लोग इसको खर्चा बोलते हैं, मैं इसको कॉस्ट बोलता हूँ। ये कॉस्ट कौन पे कर रहा है? ये वाला बंदा पे कर रहा है जिसकी एज 35 साल, जो अपनी ये अपनी फैमिली के लिए ये 25,000 रुपए पे कर रहा है। ठीक है जी। अब देखिए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मौसम अच्छा हो ना हो, कारोबार हो रहा हो ना हो रहा हो, कारोबार के हालात बिल्कुल डंप हो जाएं, ये 25,000 उसको चाहिए चाहिए, ऐसे ही होगा ना? ये 25,000 नहीं रुकना चाहिए। अब जैसे ये जिम्मेदारी है, इसी तरह कुछ आने वाले वक्त की जिम्मेदारी है, जिसमें बच्चों की आला तालीम, उनकी शादियों के एक्सपेंसेस, उसके बाद अलहदा से जब बच्चे की शादी हुई थी उसको अलहदा घर बना के देना, फिर अपना कारोबार उसका कुछ स्टार्ट करा के देना, और उसके एंड पे आता है आपका बुढ़ापा यानी आपका पेंशन की अमाउंट। जैसे इन जिम्मेदारियों के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, इसी तरह कल को ये जिम्मेदारियां भी आप पूरी करेंगे, ऐसे ही होता है जी। नॉर्मली ये जिम्मेदारियां डे टू डे है और ये हम 15-20 साल के बाद पूरी कर रहे होते हैं। अब कोई भी बंदा है, आज इसकी एज देखें 35 साल, फर्ज करते हैं आप ही ये प्रोस्पेक्ट हैं, आपके आज एज 35 साल है, मेरा आपसे सवाल है कि बाकी कितनी रहती है आप जानते हैं? हाँ जी जानते हैं आप? नहीं, नहीं जानता। अगले लम्हे का नहीं पता। पाकिस्तान में नॉर्मली वर्किंग लाइफ है 60 साल। वर्किंग लाइफ से मुराद जब तक बंदा काम कर सकता है, उसके बाद अगर वो जिंदा हो भी तो वो रिटायरमेंट में चला जाता है। वर्किंग लाइफ 60 साल है, यहां से लेके यहां तक इसको सारे चैलेंजेस से गुजरना है। दो ही ऑप्शन है, पहली लंबी उम्र जीना, या तो वो लंबी उसकी जिंदगी होगी, वो जीता रहेगा। अगर वो जीता रहा यहां से लेके यहां तक जिंदगी रही, तो देन ये सारी जिम्मेदारियां वो अपने हाथों से पूरी करेगा, ऐसे ही होगा। और दूसरी ऑप्शन खुदा ना खासा जल्दी मर जाना, मौत मरा के किसी को किसी वक्त भी आ सकती है, डाइंग टू सून, जल्दी मर गया तो ये कॉस्ट जो है जाहिर है वो कमान काम नहीं करेगा, तो आमदनी नहीं आएगी, तो जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी, और ये सारी फैमिली इधर भी और इधर भी सफर करेगी, ऐसे ही। अब एक बंदा है जिस बंदे ने जो मंथली 25,000 ही कमाता है और 25 का 25 ही वो खर्च कर देता है, सेविंग कर नहीं रहा। अब आप मुझे बताएं, ऐसे बंदे के लिए अगर वो जिंदा रहा, इन चीजों पे लाखों खर्चा होता है, तालीम पे, शादियों पे भी लाखों खर्चा होता है, घर बनाने पे भी, बिजनेस पे भी, और बुढ़ापे पे पेंशन, अगर आपको कम से कम 20,000 भी चाहिए तो बैंक अकाउंट में 20 लाख पड़ा होगा, तो 20,000 पर मंथ आ रहा होगा, ये कम से कम, ऐसे ही जी। अब इस बंदे ने सेविंग ही नहीं की तो यहाँ पे जाके क्या करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा? कुछ
रखा हुआ या जायदाद वगैरह या सेविंग तो की नहीं उसे शुरू से सेविंग करता तो असासे बनाता ना। पर यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं वो कर्जा उठाते हैं हर चीज के लिए, ऐसे होता है जी, या फिर अपने कोई अगर प्लॉट है कोई मकान है बेचते हैं गोल्ड पड़ा है अपने यानी एसेट्स को सेल आउट करते हैं। अब आप मुझे बताएं ये दोनों चीजें फेवरेबल है कर्जा उठाना या एसेट्स बेचना, दोनों आपको कर्जा आपको माइनस में ले जाता है और जो एसेट्स को बेचना है वो आपको जीरो कर देता है, जो आपके पास तो सेविंग होती है वो भी लग जाती है, यानी ये फेवरेबल नहीं है। अब आ जाए दूसरी सिचुएशन पे, बंदे ने सेविंग की नहीं हुई, कोई प्लानिंग नहीं है, बंदे की डेथ हो गई, दुनिया से चला गया, तो ये जो कॉस्ट वो बंदा पे कर रहा था, आप अगर वो प्रॉस्पेक्ट हो मैं आपसे पूछता हूँ ये 25,000 रुपया आपकी जगह पे कौन पे कर सकता, थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर ये कॉस्ट आप पे कर रहे हैं और आप थोड़ी देर के लिए फोटो से गायब हो जाते हैं पिक्चर से, तो आपकी जगह पे कोई ऐसा दोस्त यार बेली सज्जन बहन भाई कोई जो आपकी जगह पे ये 25,000 आपकी फैमिली के लिए पर मंथ पे कर सकते, जुबली करेगी वो तो बात की क्या होगा देन फिर क्योंकि ये कॉस्ट है इस चादर चारदीवारी की, तो ये कॉस्ट पे करने के लिए घर में से किसी को निकलना पड़ेगा, यानी तुम्हें खाना निकलेगी काम करने के लिए, छोटे बच्चे या छोटे बच्चे में एजुकेशन छोड़ के वो किसी शॉप पे काम करेंगे कि कुछ हम चाह सके ऐसे ही बोला, तो ये चीज उससे भी ज्यादा हेक्टिक है। क्या आपकी मिसेज या आपकी बेवा जो है वो घर से काम करने के लिए निकल रही हो, आपके बच्चे किसी शॉप पे काम कर रहे हो, क्योंकि कयामत तक बच्चे की बल्दियत में नाम आपका ही रहेगा और उस खातून के साथ आपका नाम जब तक जुड़ा हुआ है तब तक वो आपकी जिम्मेदारी है, उसकी चादर चारदीवारी का तहफ्फुज़ करना, उसके लिए अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि वो बाइसल जिंदगी गुजार सके, आप इस दुनिया में हैं या इस दुनिया में नहीं है, जब तक उसका आपके साथ नाम जुड़ा हुआ है बेशक वो बेवा के तौर पे है आपकी जिम्मेदारी है, अब उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। अच्छा अब ये तो थी एक सिनेरियो जिस पे हमने बात की कि उसने सेविंग नहीं की, अब एक दूसरा बंदा है इसी जगह पे उसने एक 25,000 का हमने उसको मशवरा दिया, हमारा एक एजेंट मिला उसको, उसने कहा भाई आप ऐसे करें आप जो 100 रुपया कमा रहे हैं यानी डेली का मैं एक आपको अंदाजा दे रहा हूँ 100 में से 90 रुपए अपनी फैमिली पे आज में खर्चा करते रहे, 10 रुपए आने वाले वक्त के लिए यानी 10% ऑफ योर मंथली इनकम या एनुअल इनकम मेरे साथ सेविंग करें। उसने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है मैं कर लेता हूँ, उसने कर लिया। अब देखिएगा सिनेरियो कैसे चेंज होता है, उसने सेविंग कर ली थी, वो बंदा पहुंचा लंबी उम्र की जरूरत है यहाँ पर तो उसको ना तो कर्जा उठाना पड़ा और ना ही अपने एसेट्स बेचने पड़े, उसकी अपनी सेविंग में से उसको इतनी अमाउंट मिल गई कि वो बाइज़त तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर गया। समझ रहे बात को, उसी बंदे के साथ खुदा ना खासा ये मिसाल हो गया, वो जल्दी चला गया दुनिया से, उसकी फैमिली को कंपनी ने इस सेविंग की वजह से इतनी कमाऊ भी इकट्ठी दे दी कि वो बाइज़त तरीके से अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें जिससे अपनी लिविंग जो है वो गुजार सकें, और बच्चों की एजुकेशन के लिए पर मंथ खर्चा कंपनी ने अलहदा लगा दिया कि जब तक बच्चे बड़े होकर अपने पाँव में खड़े नहीं हो जाते इनकी महाना तालीम का खर्चा हमारे लिए। अब आप मुझे बताएं इन दोनों में से कामयाब शख्स कौन है, जो पहले वाला था वो या जो अब वाला है वो? हाँ जी क्या कहते हैं? जारी बात है अब प्लान लिया है सर वो कामयाब है। अगर आप लोगों में मैं ऑप्शन छोड़ूं कि आप लोगों में से अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो कि आप कौन सा बनना चाहेंगे, ए बनना चाहेंगे या बी बनना चाहेंगे, यानी ए वाला जो पहले वाला था और बी वाला जो अभी वाला है, तो कौन सा बनना चाहेंगे? बी, डेफिनेटली बी। थैंक यू वेरी मच, यही मेरा आप लोगों से मतलब इस सारी प्रेजेंटेशन का मकसद और मतलब यही है कि ये प्रेजेंटेशन जब आप किसी को प्रेजेंट करेंगे तो अल्टीमेटली हर बंदा चाहे